नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर देश की खास खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम, शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे, पानीपत में रुकी काउंटिंग, कांग्रेस ने लगाया ईवीएम में धांधली का आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस गठबंधन आगे। चुनाव नतीजों का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव जारी, बैंकिंग शेयरों में उछाल। कांग्रेस ने लोकसभा विधानसभा चुनावों में 585 करोड़ खर्च किए, चुनाव आयोग ने बताया स्टार कैंपेनर्स की हवाई यात्रा में 105 करोड़ खर्च हुए। अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले में शिफ्ट हुई सीएम आतिशी, अब यह होगा नया पता। वाराणसी में गर्जे सीएम योगी, कहा किसी भी धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं। आइए डालते हैं एक नजर राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री से की मुलाकात, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में की वार्ता। डूंगरपुर में शहर में अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने की कार्रवाई, 13,750 का जुर्माना वसूल। दिवाली पर राज्य भर में मिलेगी सरस की मिठाइयां, अलवर डेयरी का कलाकंद और बीकानेर का रसगुल्ला भी मिलेगा प्रदेश की सभी डेयरियों में। गैंग से पूछताछ में उदयपुर व राज संबंध व गुजरात की 50 से अधिक चोरी की घटनाओं का खुलासा, मुख्य सरगना सहित 5 अभियुक्त गिरफ्तार। आइए डालते हैं एक नजर बॉलीवुड की खास खबरों पर। एक्शन मोड में नजर आई एक्ट्रेस मालविका मोहनन, फिल्म सरदार 2 के सेट से शेयर की तस्वीरें। सिंघम अगेन के ट्रेलर में रामायण की झलक, कलयुग की सीता को बचाएंगे बाजीराव सिंघम। आइए डालते हैं अब नजर खेल जगत की प्रमुख खबरों पर। पीसीबी प्रमुख को उम्मीद, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। आक्रामक अंदाज में जश्न मनाने पर अरुंधति को आईसीसी ने लगाई फटकार। आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत की खास खबरों पर। भारतीय शेयर बाजार में सपाट कारोबार, बैंकिंग शेयरों में उछाल। एक सप्ताह में 12% महंगा हुआ कच्चा तेल, भारत पर बढ़ सकता है आयात खर्च का दबाव। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरें। हिजबुल्ला ने दागे रॉकेट, लेबनान के गांवों और कस्बों में इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला के हमले में मारे गए इजराइल के 2 सैनिक। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।